नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती के छोटे छोटे टिप्स वीडियो में। हमारा आज का विषय है टमाटर में उकठा रोग उपचार। भाइयों, ठंड बढ़ने और टेम्परेचर में कमी आने से टमाटर में धब्बेदार उकठा विषाणु रोग यानी टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस का खतरा काफी बढ़ जाता है। यदि समय रहते आप इसे रोकने के लिए अलग अलग स्थितियों में अलग अलग सस्य क्रियाएं नहीं करते तो आगे चलकर टमाटर के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। टमाटर में उकठा रोग के लक्षण। टमाटर का उकठा रोग युवा पौधों में पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में मिलकर पीले रंग की धारियों का रूप ले लेता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है प्रभावित भाग के ऊतक काले पड़कर सिकुड़ जाते हैं और जलकर झुलसे हुए से दिखलाई देते हैं। संक्रमित पौधों में फलों का गठन ठीक से नहीं होता। फल के अनियमित रूप से पकने की वजह से उसके ऊपर हल्के हरे, नारंगी या लाल रंग के छल्ले दिखाई देते हैं। टमाटर की फसल में उकठा विषाणु रोग का वाहक थ्रिप्स नाम का कीड़ा होता है। उकठा रोग का इलाज। टमाटर के पौधे की प्रतिरोधी या सहनशील किस्मों का प्रयोग करें। बीजों को 50 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट के लिए गर्म पानी में रखें और बीजों का इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक से बीज उपचार करें। ऐसी पौधशाला का चुनाव करें जिसमें तैला और टमाटर के उकठा रोग से निपटने का उचित इंतजाम हो। तैला यानी थ्रिप्स कीट को पकड़ने के लिए पीले रंग के चिपचिपे जाल का इस्तेमाल करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण करें। संक्रमित पौधे को खेत से हटा दें। जमीन में कार्बोफ्यूरान 3% दानेदार कीटनाशक को 15 से 17 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई के समय मिलाएं। वनस्पति विकास की अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड 50% WP 5 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर स्प्रे करें। फिप्रोनिल 5 SC 30 मिली प्रति 15 लीटर पानी या स्पिनोसार्ट 45 SC 8 मिली प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और इस तरह से भाइयों, अगर आप लोग कुछ सावधानियां बरतें तो टमाटर की एक भरपूर पैदावार बड़े आराम से ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगली बार हम फिर आपके लिए खेती की एक नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। कृपया सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।